हड्डियां देखो अभी भी यहाँ पर हड्डियां निकलती हैं कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान में ना अभी हड्डियां ऊपर ही रखी हुई सही है, गुड इवनिंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज के कोने चैनल का स्वागत है बिना किसी देरी के। तो फिलहाल आज ना महाशिवरात्रि, तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल अभी सुबह से हम पूजा वगैरह लगे हुए थे, पूजा वगैरह करी थी, उसके बाद थोड़ा नींद आ गई तो सो गए थे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब जो भी मिठाई वगैरह जो जो थी मतलब जो व्रत में खा सकते हैं फास्ट में जो भी खाने वाली चीज़ थी वो थोड़ा बहुत खाया। और उसके बाद अभी फिलहाल मैं ब्लॉग बनाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले उठा था, चाय वगैरह पी करके थोड़ा मैंने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं अभी। तो सुबह से टाइम नहीं मिल पाया, पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे और मंदिर पूजा करने नहीं गए थे क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज के दिन। यहाँ तक कि पूरे गाँव की औरतें ना एक ही मंदिर पर आती हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो वहाँ पर हम नहीं जा पाए थे आज। तो जो हमने सभी ने मिलकर के पूजा जो थी वो घर पे ही कर ली थी। तो अभी ना मैंने सुबह ना महाशिवरात्रि की पूजा यहाँ पर की थी, देख सकते हैं यहाँ माँ यहाँ शिवलिंग रखी थी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमने तस्वीर रखी थी भोलेनाथ जी की, पार्वती मैया की और गणेश जी की, तो यहाँ पर हमने पूजा की थी। पूजा का स्थल है पूरा हमारे यहाँ, क्योंकि ये जो पूरा बरामदा जो है तुलसी माता का है, तुलसी माता थी पहले और तुलसी माँ का पेड़ यहाँ से उखाड़ दिया क्योंकि वो सूख गया था। तो उसके बाद हमने यहाँ पर पूजा के लिए सामान रखा, सारा पूजा सामान, तो यहाँ मैंने पूजा कर ली थी। इसके बाद मैं आपको स्पेशली एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आज कोट में दिखाने वाला हूँ ऐसा कब्रिस्तान जिस कब्रिस्तान में ना आज भी भूत आते हैं। हालांकि ये कब्रिस्तान हम देख रहे हैं सामने डीपली में आगे आके जा करके आपको दिखा देता हूँ। पहले अभी आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा होगा, बाकी आपको आगे जाकर मैं दिखा देता हूँ पूरी तरीके से, फुल तरीके से डेडिकेटेड तरीके से दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से दिखता है कब्रिस्तान पूरा। और अब देखेंगे ना वास्तव में ऐसा लगता है काफ़ी कोई सीनरी जैसे कोई पार्क वगैरह हो, पार्क ऐसा लगता है बिल्कुल सुहाना बिल्कुल एकदम अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ना अभी भी भूतों का डर रहता है, अभी भी यहाँ पर रात में भूत आते हैं। तो कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं, कब्रिस्तान की दीवार को निकाल करके कब्रिस्तान के अंदर ही है। हालांकि हमें देख सकते हैं तालाब है कब्रिस्तान का, और यहाँ पर देखिए मोर वगैरह भी नाच रही है इधर, मोर वगैरह भी हैं उधर, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने काफ़ी अच्छा है, वैसे सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ ना आज ही भूत को डर रहता है कि साल भी मेरे को इतना डर सा लग रहा है, दिन में भी डर लगता है, रात में तो बहुत ज़्यादा भयानक डर लगता है। हालांकि आपको देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ आपको दिखाया तो देखिए यहाँ पर जो है ना बाकी पीछे नज़ारा काफ़ी अच्छा देखने को दिख रहा होगा आपको। बाकी इसके अंदर आप देख लीजिए, देखिए ये कब्रिस्तान के अंदर कब्र बनी हुई है, कब्रें हैं यहाँ पर, ये बहुत पुरानी कब्रें हैं। मैंने तो मतलब बचपन से देखता आ रहा हूँ कब्रों को, बहुत पुरानी कब्रें हैं जो कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। हालांकि और भी कब्रें अब बनी हुई हैं, भी बहुत सारी कब्रें जो बनी हुई हैं, देखिए कब्रें हैं यहाँ पे, देखिए कब्रों के अंदर मतलब जो डर मतलब डर वगैरह तो बहुत मना रहता है यहाँ पर, काफ़ी लोग डरते भी हैं। लेकिन कभी कभी कभार मतलब लोग आते भी रहते हैं यहाँ पर, जो इनके जो इनको मानते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। बाकी यहाँ पर डर का माहौल तो रहता है हर टाइम, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और काफ़ी मतलब सुंदर भी लगता है देखने में। बाकी क्योंकि पहले ना बाउंड्री वगैरह नहीं थी यहाँ पर, ये चारों तरफ से बाउंड्री हो रखी है, पहले कोई भी बाउंड्री नहीं थी और ना कोई गेट था, कुछ नहीं था, पूरी तरफ से खुला हुआ था। और तालाब भी ना बहुत गहरा था, बहुत ज़्यादा गहरा, तो यहाँ पर इसलिए डर बहुत ज़्यादा रहता था क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे भी ना बहुत बड़े बड़े लग रखे थे, और जो घास फूस थी वो भी काफ़ी बड़ी थी, तो उस वजह से लोगों को डर जायज़ था यहाँ पर। तो अभी तो यहाँ पर इतना मतलब दिन में तो मतलब कोई अच्छा मौसम रहता है, क्योंकि देखो मेरे घर पास में ही है, तो यहाँ से मैंने सोचा कि आपके लिए वो चीज़ दिखाया था, बहुत खतरनाक चीज़ें दिखाने के लिए। तो कब्रिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें और भी कहता हूँ, दिखा दूँ। कब्रिस्तान के अंदर देखो हड्डियाँ देखो, अभी भी यहाँ पर हड्डियाँ निकलती हैं कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान में ना अभी हड्डियाँ ऊपर ही रखी हुई हैं, बहुत सारी हड्डी दिखती है कब्रिस्तान के अंदर। इसमें और भी अंदर थोड़ी खुदाई करूँगा ना, इसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ निकलती हैं, मतलब यहाँ पर एकदम डर का माहौल बन जाता है। पहले यहाँ से मिट्टी वगैरह खुदाई करते थे तो यहाँ पर पहले बहुत सारी हड्डियाँ निकलती थी, लेकिन अब तो मतलब यहाँ पर खुदाई वगैरह बिल्कुल पूरी बंद कर दी है, और जो सब कुछ यहाँ पर बंद कर दिया है, यहाँ पर कोई आना जाना भी मतलब बंद कर दिया लोगों ने, बहुत कम लोग आते हैं इसके अंदर, बहुत कम लोग ही जाते हैं इसके अंदर से, तो इसलिए यहाँ पर आना जाना भी कम कर दिया है। तो मेरे मुझे आज से आपको ना ये वीडियो में ये दिखाना था कि कितना मतलब हमारे पास का कब्रिस्तान जो है जो कितना सीरियस लगता है, कितना डीपली लगता है। आपने पूरा कब्रिस्तान देख लिया, पूरी वीडियो देख ली कब्रिस्तान की मेरी, क्योंकि जो मेरे घर के आसपास ही ये बना कब्रिस्तान है, पहले जो हमारा घर पूरी तरह से खुला हुआ था तो यहाँ बहुत डर का माहौल बना रहता था, लेकिन अब जो है बिल्कुल डर खत्म हो चुका है क्योंकि चारों तरफ से बाउंड्री वगैरह हो चुकी है, पूरी तरह से बंद है ये। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू शानदार धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कर वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और, तब तक के लिए बाय बाय।